Hello guys, welcome to the new video of E-Trix solution. In this video, we are going to discuss the KMap method for POS form of Boolean expression. POS stands for the product of some form. So for that purpose, let us take one example. And the example is, the function is pi of m. And the terms are 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15. So guys, in this example, the pi of m means the function is in POS form, product of some form. And this capital M stands for the max terms. So, jo terms given hai, wo max term hai. And this pi of m stands for the function is in POS form. सो गाइस हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी फंक्शन मैक्स टर्म में गिवन है सो उस मैक्स टर्म में जो टर्म्स हैं उस टर्म्स के लिए फंक्शन की वैल्यू फॉल्स होती है दैट इज जीरो होती है सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ केमएफ मेथड बाय फाइव स्टेप्स एंड दीज आर दी फाइव स्टेप्स सो द स्टेप नंबर वन इज द चार्टिंग स्टेप इन दिस चार्टिंग स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई that the function is the function will contain how many variables so jo max terms given hai wo maximum max term 15 hai that means jo function hai wo four variable function hoga so let us take the functions are w x y z so f of w x y z so these are the four variables that means n is equals to 4 and if the n is equals to 4 that means कि जो के मैप है उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो होंगे 2 टू द पावर n दैट इज 16 सेल्स सो एक 16 सेल्स का मैप और चार्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया नाउ द वेरिएबल्स आर w x y z सो इन चार वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स मैंने रोज के लिए असाइन कर दिए इन रोज के लिए एंड दो वेरिएबल कॉलम्स के लिए असाइन कर दिए नाउ ये दो वेरिएबल हैं सो दो वेरिएबल के चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सो उन कॉम्बिनेशन को हम इन रोज में असाइन कर देंगे सो द कॉम्बिनेशन आर 00, 01, 11 एंड 10 रिमेम्बर दिस थिंग द ग्रे कोड सीक्वेंस सिमिलरली 00, 01, 11 एंड 10 द ग्रे कोड सीक्वेंस सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केएमएफ मेथड दैट इज द चार्टिंग स्टेप नाउ द सेकेंड स्टेप दैट इज द मैपिंग मैपिंग मीन्स मैप द फंक्शन इन टू द के मैप दैट मीन्स की जो टर्म्स जो मैक्स टर्म गिवन है उनको इस फंक्शन उनको इस चार्ट में मैप करना है सो उसके लिए हमको मैक्स टर्म की लोकेशन पता होना चाहिए सो मैक्स टर्म की लोकेशन जो है वो एसओपी फॉर्म में जो मिन टर्म्स की लोकेशन है उसके जैसे ही होगा सेम एज मिन टर्म That means this is the maximum number 0, this is maximum number 1, this is maximum number 3, this is maximum number 4, 5, 6, 7, oh, 0, 1, this is 2 and this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So these are the location of maximums. एंड जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन द केस ऑफ पीओएस एक्सप्रेशन गिवन मैक्सटर्म्स के लिए फंक्शन फॉल्स होता है इसलिए जो मैक्सटर्म गिवन है उन मैक्सटर्म की लोकेशन पर सेल लोकेशन पर हम जीरो पुट करेंगे सो दैट मींस कि जब पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है तो हम मैक्स के मैप में जीरो पुट अप करते हैं सो मैक्स टर्म है जीरो दैट मीन्स मैक्स टर्म जीरो सेल लोकेशन पर जीरो पुट करना है मैक्स टर्म वन सेल लोकेशन पर भी जीरो पुट करना है थ्री पर भी जीरो पुट करना है फोर पर भी करना है फाइव सिक्स सेवन थर्टीन एंड फिफ्टीन सो जो मैक्स टर्म गिवन थे उनकी सेल लोकेशन पर हमने जीरो पुट अप कर दिए एंड दिस इज द स्टेप नंबर टू दैट इज द मैपिंग स्टेप Now, the step number 3, that is the grouping. And again, this is the most important step of the KMap method. Ki jo cells hain, jinmein ki zeros put up hain,
उन सेल्स की ग्रुपिंग करना है. सो एज पर द रूल्स ऑफ ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल्स ग्रुप हो सकते हैं. एडजेसेंस की डेफिनेशन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक एज लार्ज ग्रुप एज पॉसिबल. सो सबसे सो लेट्स से मैं इस जीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो इस जीरो को ग्रुप करने के लिए आई कैन यूज टू सेल्स. बट जैसे हमने डिस्कस किया है कि टू सेल्स का पेयर बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड बनाने की पॉसिबिलिटी है क्या. सो यस, आई कैन मेक अ क्वाड विद द हेल्प ऑफ दीज टू जीरोज ऑल्सो. मतलब कि इसका पेयर की बजाय मैं इन चार को कंबाइन करके एक क्वाड बना सकता हूँ. सो लेट अस मेक अ क्वाड फॉर दीज फॉर सेल्स. सो एक क्वाड हो गया. दिस इज दी लेट्स से दिस इज ग्रुप नंबर वन. नाउ अब ये जीरोस बचे हुए हैं, ये सेल्स बचे हुए हैं. सो यदि मुझे इन सेल्स को ग्रुपिंग करना है तो मैं यहाँ पेयर बना सकता हूँ. बट अगेन इस पेयर बनाने से पहले मैं देखूंगा कि क्वाड की पॉसिबिलिटी है क्या. एंड यस, यदि मैं इन दो सेल्स को भी यूज करता हूँ तो इन चार सेल्स का एक क्वाड बन सकता है. सो लेट अस टेक वन मोर क्वाड फॉर दीज फोर सेल्स. सो दिस इज योर ग्रुप नंबर टू. Now these three zeros are mine. Now इनको group करने के लिए again यदि मुझे इन दो zeros को group करना है तो इनका pair बन सकता है. But again मैं quad की possibility देखूंगा. So यदि मैं इन दो cells को भी use करता हूँ, so I can make one more quad here. So this is the third group. And now this zero will left. So इस zero को group करने के लिए मैं इसके adjacent cells देखूंगा. So इस zero का एक adjacent cell ये है. So I can make a pair. But यदि मैं इन zeros का भी use करता हूँ तो इन चार cells को combine करके I can make a quad. So instead of making a group, I will prefer a quad here. So this will make a quad like this, and this is the group number 4. So in this way, with the help of this grouping step, this KMap will contain all total 4 number of groups and all are quads. So this is the grouping step number 3. Now the fourth step, that is the reading step. Reading step, जब हमने पीओ एसओपी एक्सप्रेशन में रीडिंग स्टेप परफॉर्म की थी, पीओएस में भी रीडिंग स्टेप सेम है. बस इसमें जो मिनिमाइज्ड टर्म निकलेगी वो पीओएस फॉर्म में होगी. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द मिनिमाइज्ड टर्म फॉर दिस ऑल ग्रुप. सो द ग्रुप नंबर वन, दैट इज अ क्वाड क्वाड दिस वन दिस क्वाड. नाउ अब इस क्वाड की जब क्वाड की पीओएस फॉर्म में मिनिमाइज टर्म निकालने के लिए दो तरीके हैं. या तो हम इसकी टर्म डायरेक्टली मिनिमाइज्ड डायरेक्टली पीओएस फॉर्म में निकालें, या फिर यदि आप एसओपी फॉर्म से मैं कंफर्टेबल हैं तो आप पहले इसका एसओपी फॉर्म का टर्म निकालिए एंड देन उसके बाद उसको पीओएस में कन्वर्ट कर दीजिए. तो वो कैसे करेंगे, एसओपी में इस क्वाड की टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो इस क्वाड में ये दो रोज हैं, इन दो रोज में ये फर्स्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू है डब्ल्यू की, और ये वैल्यू जीरो है इसलिए डब्ल्यू बार डॉट. इस क्वाड में ये दो कॉलम्स हैं, इन दो कॉलम्स में ये फर्स्ट जीरो कॉमन है एंड ये जीरो वाई की वैल्यू है, दैट इज वाई बार. सो अभी जो हमने टर्म निकाला ये एसओपी फॉर्म में है, और बट मुझे पीओएस फॉर्म में चाहिए. तो इसको पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो टर्म है इसमें जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख लीजिए, और जहां पर डॉट है वहां पर प्लस साइन यूज कर लीजिए. सो ये जो टर्म है दिस इज इन मिन टर्म फॉर्म, और ये जो टर्म है वो मैक्स टर्म फॉर्म में होगा, और वी कैन से पीओएस फॉर्म.
सिंपली जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और डॉट के प्लेस पर प्लस यूज कर लीजिए. सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड द मिनिमाइज टर्म फॉर क्वाड नंबर टू. क्वाड नंबर टू मीन्स दिस क्वाड. इस क्वाड में अगेन फर्स्ट और सेकेंड रोज है जिसमें कि दिस जीरो कॉन्स्टेंट है और ये डब्ल्यू की वैल्यू है, दैट मीन्स डब्ल्यू बार अगेन डॉट. नाउ कॉलम है सेकेंड एंड थर्ड और इनमें ये वन कॉन्स्टेंट है और ये वन है जेड की वैल्यू, दैट मीन्स जेड. ये जो टर्म है वो मेन टर्म में है, इसको मैक्स टर्म या फिर पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए अगेन द सेम रूल, जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट में लीजिए, जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसको कॉम्प्लीमेंट में लीजिए और डॉट की प्लेस पर प्लस साइन यूज कीजिए. नाउ द थर्ड क्वाड दैट इज दिस क्वाड. इस क्वाड में सेकेंड और थर्ड रो है जिसमें कि ये वन कांस्टेंट है और ये वन है एक्स की वैल्यू, सो ये एक्स आ गया. एंड ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में ये वन कांस्टेंट है, ये है जेड. तो ये आपका मीन टर्म में आया, इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करने के लिए नॉन कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट के प्लेस पर प्लस. एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड That is this quad. Now इस quad में एक ही row है, तो एक row है तो इसकी जो value है वो constant होगी, तो ये directly आ जाएगा W bar X. And इस quad के लिए चार columns हैं और चारों columns में value vary करेगा, constant नहीं होगा, तो इसमें से कोई भी term नहीं आएगा. तो इसकी जो term आएगी वो min term में ही आएगी और इसको max term में convert करेंगे तो W X bar and plus. So these are the minimized term in the POS form. So this is the fourth step, that is the reading. And the fifth step, ORing. So इस केस में means जब हम POS की बात करेंगे, so इस केस में इस ORing की जगह पर आएगा ending. That means कि ये जो हमने minimized term identify किए हैं, इन सब minimized terms का ending करना है to get the minimized expression. So the final minimized expression is f is equals to w plus y dot, because हमको ending करना है तो dot w plus z bar dot x bar plus z bar dot w plus x bar. So this is the minimized expression of the given problem in POS form, product of sum form. So in this way you can perform the minimization using Boolean minimization of Boolean expression using KMF method for POS form only. Thank you.